नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वोल्वो का ग्रेडर है और हम लोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, ये जो अप्रोच रोड देख रहे हैं, ये जंक्शन बोलते हैं। जैसा ये हमारा NHI का ये रोड है, हमारा ये नेशनल हाईवे। अभी इसके हम अप्रोच या बोले तो जंक्शन इनको हम मैच कर रहे हैं। इनमें हम DBM और BC करने वाले हैं। तो ये जो छोटा सा आप जंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक रोड है। ये रोड बेसिकली है तो एक देसी शराब दुकान है। इसका एक अप्रोच रोड है, लगभग हम 50 मीटर का ये अप्रोच रोड हम बनाने वाले हैं। इसका DBM और BC करने वाले हैं। तो कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में यही बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं वोल्वो का ग्रेडर। सबसे पहले तो हम जो GSB या WM जो आपका डला हुआ है उसको अच्छे से लेबल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चालू करेंगे इसका DBM और BC का लेइंग। दोस्तों ये जो रोड है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा NH का रोड से नेशनल हाईवे से ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा है, ये अंग्रेजी शराब दुकान, ये उसका पहुँच मार्ग है। सामने ठीक है, आप देख रहे होंगे, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये उसी का ये जो अप्रोच रोड है, लगभग 50 मीटर का हम लोगों को बनाने पड़ते हैं अप्रोच रोड, वही हम लोग बना रहे हैं। बाकी उसके आगे का जो रोड रहेगा वो कच्चा रास्ता है, वो कच्चा ही रहेगा। बाकी का हम 50 से 60 मीटर का रोड हम लोग अभी DBM और BC करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो काफ़ी कंजस्टेड एरिया टाइप का है तो इसमें हम लोग पेवर से लेंगे तो नहीं करने वाले, छोटा सा रोड है तो इसको हम DBM इसका ग्रेडर से ही करने वाले हैं। और जो इसका BC भी हम लोग ग्रेडर से ही करेंगे। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कैसे अप्रोच रोड बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो अप्रोच रोड रहते हैं कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको जो सरफेस है उसको अच्छे से ग्रेडिंग कर लो। अच्छे से लेबल होने के बाद फिर इसका रोलिंग करने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे प्राइम कोड। प्राइम कोड लगाने के बाद फिर हम चालू करेंगे इसका DBM का लिंक। DBM के हमारे पास एक लोड लगा खड़ा है भरा हुआ, और एक खड़ा है हमारे पास BC का लोड। दोस्तों इस टाइप के जो छोटे छोटे रोड होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, इसको छोटे मोटे रोड छोटे से रोड में घुमाना आगे पीछे करना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपका जो ऑपरेटर जो आपका एक्सपीरियंस होल्डर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, काम हो जाता है फिर भी आसानी से। अगर आपका नए ऑपरेटर है तो ये बहुत दिक्कत होती है। और एक दिक्कत ये भी है कि इस रोड पे बार बार बाइकें कहीं छोटी मोटी गाड़ियाँ आने, वो तो आपको पता ही है, ठेका है तो ठेके पे तो भीड़ 24 घंटे लगी रहती है। और जो आते हैं ठेके पे से जो बंदे आते हैं वो पिए हुए आते हैं, कांटा उनका 100 पे रहता है, तो इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। ये हमारे गुरदीपा जी हैं, वॉल्वो ग्रेडर यही चलाते हैं हमारी कंपनी में। ये भी लगभग 10 से 12 साल पुराना ग्रेडर है, काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ उन्होंने, 3-4 साल तो इनको ही हो गए चलाते चलाते। अब तो फाइनली इसका फिनिशिंग लगभग हो चुका है, अब हम इसका करने वाले हैं रोलिंग। रोलिंग के बाद करेंगे इसका प्राइमर। प्राइमर के लिए हमारा इमल्शन का बोजर है यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब करेंगे इसका प्राइमर और फिर इस पर करेंगे DBM और इसके बाद कर देंगे फाइनल फिनिशिंग। सील कोट रहेगा वो, BC तो नहीं बोलेंगे उसको, सील कोट रहेगा वो। दोस्तों ये आ गई हमारी गाड़ी, सामने खड़ा है अपना ग्रेडर और यहाँ पे हम चालू कर दिया हमने रोलिंग। सबसे पहले करेंगे पैच की ग्रेडिंग, के बाद करेंगे रोलिंग, अच्छे से कर देंगे एक बार रोलिंग इसकी, उसके बाद फिर लगाएंगे प्राइम कोट, फिर करेंगे अपन DBM। और ये बंदे जाते हुए अपने मुकाम पे, और ये रहा इनका मुकाम, आप देख रहे हैं। सारे काम छोड़ देंगे पर ये रास्ता बहुत ज़रूरी था, काफ़ी एक्सीडेंट हो सकते हैं यहाँ पे। ये लोगों की विशेष मांगे थी यहाँ के रास्ता पूरा करना, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने ये रास्ता बनाना उचित समझा। दुआएँ मिलेंगी इस रास्ते को हम सही कर रहे हैं इसके लिए। हो गई कंप्लीट, अभी करना है अपन लाइन आउट, चूने का मार्किंग कर देंगे जितने जितने पोर्शन में हमको DBM करना है, उसकी में हम प्राइमर लगाएंगे। और इससे रोड खूबसूरत दिखता है, लाइन आपकी एकदम सीधी रहती है, इसलिए पहले अच्छे से आप लाइन आउट कर लीजिए। बैठ के हो गई अच्छे से रोलिंग, ओपन करने वाले हैं इसका प्राइमिंग। सामने हमारे अशोक भैया लगे हुए इधर, या
अब लगाते हैं दोस्तों इसका प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद फिर इधर हो देख लो आप लोग, यहाँ पे हमारा लाइन आउट हो गया पूरा कंप्लीट। दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक डीबीएम की है, एक है बीसी की, और ये लगभग 50 मीटर का होगा ये। और यहाँ पर ये अशोक भैया हमारे लाइन वहाँ प्राइमिंग करने के लिए तैयार एकदम। और ये देखो कस्टमर बहुत आते हैं यहाँ पे, रोड बहुत बिजी है। हम और भी बना रहे हैं पर इस जितना ये रोड बिजी है ऐसा रोड हमने नहीं देखा। क्या करें भाई साहब, चीज़ ही ऐसी है ये। लगता हूँ हमारा एक साइड से प्राइमर, विटामिन स्प्रे से प्राइमर लगाने का फ़ायदा है सर, पूरी सरफेस पे एक जैसा लगता है ये, ना कहीं कम ना ज़्यादा कस्टमर आते हुए। थोड़ा सा और बाकी है पर देखो, ये देखो शाम के बज गए 5 और कस्टमर आने चालू हो गए। चलिए दोस्तों प्राइमिंग हो गया यहाँ हमारा कंप्लीट, आप देख रहे हैं पूरे पे हम सरफेस पे अच्छे से लगा दिया हमने। अब सीधी गाड़ी लेके जाएंगे अंदर और अब उसमें कर डालेंगे डीवीएम। मैनुअली करने वाले पहले ग्रेडर से करेंगे हमने। चलिए दोस्तों हम लगा रहे हैं अपनी गाड़ी को, ये है हमारा डीवीएम की लोडेड गाड़ी है, इसको हम डीवीएम डालेंगे। ऊपर भी ये वायर वायर हैं छोटे मोटे रस्तों में, यही है। फिर छोटे छोटे से ढेर लगा लेंगे हम लोग, उसके बाद ग्रेडर से इसको पसर देंगे एक 50 mm की। आगे ले आगे ले दोस्तों, ये डीबीएम के कुछ इस टाइप के ढेर लगा लेंगे छोटे छोटे, जितना आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से, एक आपका अंदाज एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लगा लीजिए। तो ग्रेडर से आपको इसको फैला देंगे इजीली, और इसके बाद इसकी करेंगे रोलिंग। फिर इसकी रोलिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर एक सील का एक पतला सा लेयर डाल देंगे तो सील हो जाएगा ये। तो दिक्कत बहुत है देखो सामने, आप वायर दिख रहा है, छोटे छोटे रास्तों में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां डाल दी हैं। ये देखो बस तक भारत में बस यही दिक्कत है, इन भाई साहब को तसल्ली नहीं हो रही यहाँ से जाने के लिए। उनका 5 बजे का टाइम हो गया, उनको जाना ही है ठेके पे। हम सोच रहे फटाफट रोड बन जाए हड़क ख़त्म हो, पर उनको तसल्ली नहीं है भैया हम तो जाएंगे। देख लो एक इधर से आए, बेवकूफों की कमी नहीं है। अभी तो चलो डंपिंग कर रहा है, अभी देखना ग्रेडर चलेगा तब कितने आएंगे। देखो एक ही आए और एक इधर से आए, सबर नाम की चीज़ नहीं भाई साहब, मैं मानने को तैयार नहीं। देखो अंकल भी आए, अंकल अलग नहीं मान रहे। अंकल कहाँ जा रहे हैं, कलारी पे? ठीक है जाओ जाओ। अरे भाई साहब थोड़ा रुक जाते यार, चलिए हो गई है यहाँ पे हमारी पूरी गाड़ी खाली, एक गाड़ी पूरी डाल दी हमने। तो हटा अपना ग्रेडर, अब ग्रेडर से करेंगे ग्रेडिंग। मेरे को लगता है ये मारुति वाला भी अंदर आने वाला है, या हो सकता है बाहर जाए। ये हो गई अपनी डंपिंग पूरी और उसमें करेंगे ग्रेडिंग। ग्रेडर हम इसमें देखो रिवर्स में ही डालेंगे, रिवर्स में ही डालेंगे तो उधर से एकदम से मैच कर देगा पूरा रोड।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फैनिंग को तो मैच कर दिया है। अब इसका जो अप्रोच रोड है, अब उसके फैलाते हैं अपन इस ग्रेडर की मदद से। दोस्तों ये जो ग्रेडर है, ये वोल्वो का जीन 930 है। ये हमारी कंपनी में काफ़ी पुराना ग्रेडर है, ये 2010 मॉडल है, 12 साल पुराना है, पर ये मेंटेन तो अच्छा रखा हुआ है। देखो अभी काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं लोग, यार बाइक वाले, ये ठेके वाले हैं, सब ठेके पे जाने वाले बंदे, रास्ता ही उतना है। और ये यहाँ पे बोजर का काम दोस्तों हमारा ख़त्म हो गया, बिटुमिन स्प्रेयर का। इधर आगे हमने भेज दिया, आगे हमारी चल रही पेवर उसके पास भेज दिया है। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी, इसमें बीसी ये DBM की गाड़ी हमने डाल दी, इसका हम कर देंगे लेवल। चलिए जरा स्प्रेडिंग हो गई है, इसको कर देते फाइनल फिनिशिंग। बैक हो जाता हुआ JCB का, इसको डालते बैक में, उधर से फिनिशिंग करते हुए ले आएंगे, क्योंकि मटेरियल की हो गई पूरी स्प्रेडिंग हो गई कंप्लीट। अभी एक साइड से इसकी स्प्रेडिंग करते हुए, फाइनल फिनिशिंग करते हुए आ जाएंगे। ये हो गया तैयार, इसकी रोलिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे अपन इसका सील का, एक सील कोट टाइप का होगा, मतलब ये सील ही बोलते हैं PMG इस बाइक रोडों में, और हमारा ही रोड में तो हम BC बोलते हैं। इसका हम फाइनल फिनिशिंग लेते हुए, तो ये जो है, ये है डामर का काम, और ये हर कोई नहीं कर पाएगा, आपका जो सीनियर ऑपरेटर वही कर पाएगा। ये देखो, ये कुछ बेवकूफ लोग हैं, इनको कितना भी समझाओ नहीं मानेंगे। एक तो चार बिठा रखे हैं, ऊपर से देखो गुदादी गाड़ी, भैया टायर फट जाएगा, माल गर्म है, जल्दी निकालो, माल तेज है इनका। स्प्रेडिंग एकदम हो गया हमारा रेडी, अब फाइनल बस फिनिशिंग मारने वाले हैं हमारे पास जी। अगर फिनिशिंग मार के बस लाइन वाइन हम मैनुअली बेलचे से सीधा कर लेंगे, और इस पर करेंगे फिर हम रोलिंग, रोलिंग करने के बाद फिर से एक फाइनल सील का एक कोट और डाल देंगे, और ये हो जाएगा फाइनल। बंदे मान नहीं रहे, अब जेट को साफ करते हुए जी, हो गया है दोस्तों हमारा ये फाइनल फिनिशिंग हो गई है। बस हमने इसका मैच कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से लेबर से मैनुअली। बाजी ने कर दिया अपना काम, अब करते हैं इसका बस फैनिंग पोर्शन और रह गया, उसको हम मैच कर लेंगे, उसके बाद हम करते हैं इसकी रोलिंग। इसको करने के बाद अभी मैं एक दो डाइवर्शन और बनाने, इस टाइप के अप्रोच बोलो या फिर आप जंक्शन बोलो इनको, ये फैनिंग पोर्शन में फाइनल ब्लेड मारते हुए पाजी। वो ही गया है बैट तो कंप्लीट, रोलर से अपन रोलिंग कर देंगे और क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पे दोस्तों हम जो यहाँ पे चालू कर दिया हमने रोलिंग एक तरफ से, वहाँ मनोहर भाई लगे हैं, पे अपनी हो गई रोलिंग कंप्लीट। फाइनल पास मारते हुए हमने जो मैनुअली है, जो लाइन वाइन हमें सीधी करनी थी वो हमने कर ली है, बस मिलाएंगे ये अप्रोच का जॉइंट दोनों साइड में फैनिंग पोर्शन की, और उसके बाद सीधा करते हैं इसका सील कोट कर देते हैं। बाजी वो खड़े हैं, ग्रेडर हमारा ये खड़ा है,
फैनिंग पोर्शन में दोस्तों आप अच्छे से जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा दो, उसकी गोलाई जितनी बढ़ा सको उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी जब भी यहाँ पर गाड़ी निकलेगी तो ईजीली टर्न हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों मिल गए अपने पूरे अप्रोच, थोड़ा सा बस है ना फैनिंग पोर्शन रह गया है, ये हो गया अपना कंप्लीट पूरा। ये भाई साहब आए हैं और ठेकेदार की तरफ से हैं, ये ठेके की तरफ से बोल रहे हैं रात को काम मिलता है रात को करो, इनका थोड़ा सा धंधे का टाइम हो रहा है तो बोल रहे हैं रात को करना चाहिए, हमें उपदेश दे रहे हैं ज़बरदस्ती के, उनका काम उनका काम, हमारा काम काम नहीं। एक तो इनके साथ यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं कि इनका रोड जल्दी बन जाए, सुबह से लगे इनके लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फाइनली वो फैनिंग वैनिंग सब हो गया हमारा, रोलिंग वोलिंग कंप्लीट, अब इस पे कर देते हैं अपन बीसी का एक लेयर, सील कोट होगा एक तरह से। यहाँ पे हो गई हमारी रोलिंग कंप्लीट, ये हम पहले ग्रेडर अंदर ले लेते रिवर्स में, क्योंकि बाद में ग्रेडर है क्योंकि रास्ता काफ़ी कंजेस्टेड है, जाए वहाँ घूम नहीं पाता, ये पहले इसको अंदर ले लेते हैं, इसके बाद चालू गाड़ी से मटेरियल डालना चालू करेंगे। रोलर तो हम खैर बाहर निकाल लिया, रोलर तो बाहर से चला जाएगा। जो गाड़ी है सील का है, इसको सील कर देते हैं अभी। अरे वो नहीं है? तो यहाँ पे हमने कर दी इसकी बीसी, सील कर दिया इसका। अभी ये देखिए आप सरफेस और अच्छी हो गई है आपको, अभी जब मैं इसको रोलिंग करूँगा ना तब आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसा है ग्रेडर से नहीं एकदम पेवर से करी हुई, तो अगर आपका ऑपरेटर अच्छा है तो आप पेवर जैसी बिल्कुल फिनिशिंग दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा बीसी का काम हो गया कंप्लीट, जो हम सील कोट का जो लेयर डालने वाले थे वो इस पर कर रहे हैं हम फाइनल रोलिंग। देखिए आप गाड़ी वाले मान नहीं रहे, जबरदस्ती हम रोकने पे कितना रोक रहा है फिर भी मान नहीं रहे, आगे से जाओ भैया आगे से। कितना भी रोकने की वजह पर कोई मान नहीं रहा, देखो गाड़ी ले लेके आ रहा है। चलिए फाइनल पास मार के फिर इसके ऊपर हम लाइम पाउडर डाल देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों फाइनली हमारा रोड हो गया कंप्लीट, ये आप देख रहे हैं शाइनिंग इसकी, और फाइनल पास बस मार रहे हैं हमारे रोलर वाले मनोहर उस्ताद, अब बस का फाइनल पास होने के बाद बस इस पर मारेंगे हम लाइम पाउडर, लाइम पाउडर मारने के बाद फिर हो जाएगा ये हमारा एकदम कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा पैच हो गया कंप्लीट, अब हम मार रहे हैं इस पर लाइम पाउडर, लाइम पाउडर इसलिए मार देते हैं क्योंकि अभी इसके ऊपर ट्रैफिक चल देगा तो इसका टायरों में नहीं चिपकेगा, सबसे बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। दूसरा इसका वर्कअप भी हो जाएगा, लाइम पाउडर मारने से इसका जो सरफेस है बीसी की इसका वर्कअप भी हो जाएगा। लाइम पाउडर दोस्तों जब भी मारें आप बीसी की सरफेस तो अच्छे से मार दीजिए, क्योंकि इस पर ट्रैफिक चलेगा आपको उखड़ना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में ये लोग मानते तो है नहीं, ज़बरदस्त कितना भी रोकने पे गाड़ी रोक नहीं रहे, ज़बरदस्ती घुसड़ देते हैं। फटाफट दोस्तों मार देते इसका लाइम पाउडर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, लोग मान रहे हैं ये गाड़ी और आगे, ये जब आप देख रहे हैं ये लोग निकलने वाले हैं, आगे मारो आगे।
पूरा पैच हो गया हमारा अच्छे से रेडी, इस पर हम ट्रैफिक भी छोड़ सकते हैं। हम थोड़ा सा इधर रह गया लाइन पाउडर मारने के लिए, वो मार के हम ट्रैफिक छोड़ देते हैं। तो लोग अब मान नहीं रहे बिल्कुल भी, लगे गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ। देखो भैया पता नहीं है भैया, जरा चलिए दोस्तों, हो गया हमारा पैच रेडी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो में। धन्यवाद।